गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? और बज रहे हैं सुबह के 10, तो मुझे यहाँ बनाना है ब्रेकफास्ट। और यहाँ मैंने राजमा उबाल लिए हैं, लेकिन ये बोले राजमा क्यों बना रही हो, क्योंकि प्याज वगैरह नहीं डलते हैं, तो बोले मज़ा नहीं आता खाने में। लेकिन ऐसा नहीं है, प्याज के बिना भी सब्ज़ी अच्छी बन जाती है। तो पहले मैं इसका तड़का लगा लेती हूँ। और आशी को दिए थे सुबह मैंने आलू, था आलू फ्राई कर दिया था उसको। तो अब यहाँ मैं पहले राजमा बना लेती हूँ। और सफाई वगैरह सब कर चुकी हूँ मैं, और आज लेट हो गई थी बहुत, क्योंकि दिवाली भी है तो वो क्लीनिंग वगैरह थोड़ी थोड़ी चली रही है। तो बस यहाँ पर था ये सब साफ़ किया मैंने, और टेडी बेयर उठा के मैंने यहाँ रख दिया। और आशी स्कूल से आ चुकी है, तो उसने बैग यहाँ रखा हुआ है अभी। और अब मैंने डाले हैं राइस बनने के लिए। तो राजमा बनाए थे सुबह में मैंने, तो बस अब उसे खाना दूंगी, आई है वो भी। पालक वैसे बन ही चुकी है, थोड़ा पानी सूखना है इसका। और मैंने वैसे बहुत पतला पतला काटा था साग, लेकिन फिर भी थोड़ा सा खड़ा, और मेरा खड़ा खड़ा खाने का मन कर रहा था, तो इनको नहीं पसंद इतना खड़ा खड़ा। तो मैं इसको इसे पोटैटो मैशर से इसको मैश कर रही हूँ जितना हो सकेगा, फिर मैं इसमें पनीर डाल दूँगी। और मैं आलू नहीं डाल रही आज, ये तो कढ़ाई वाले में आलू वाले बनाती हूँ, और पालक पनीर मैं मिक्सी में चन करके बनाती हूँ, तो आज मैं ऐसे ही बना रही हूँ। और यहाँ मैंने रख दिया है टमाटर डाल के मसाला, टमाटर का। मैं सोच रही हूँ जब दाल के दही भल्ले बनाऊँगी तो थोड़े से वो रख के उसे कोफ्ते बना दूँगी इसके। और इसका पानी भी सूख चुका है, तो मैं पनीर इसलिए डाल रही क्योंकि पनीर के बाद ऑप्शन नहीं होता गैस पे ज़्यादा देर तक सब्ज़ी को पकाने का। तो मैं सोच रही हूँ अच्छे से ही पानी पीते सूख जाए, तो मैं इसके अंदर पनीर ऐड करूँ। तो 4 मिनट और इसे सुखा लेती हूँ मैं फुल गैस पे। और यहाँ मैंने डाल दी है दाल, तो मैंने ली थी 1 कप उड़द की दाल, और इसमें मैंने आधा कप डाली थी मूंग धुली दाल। इसके अंदर मैंने 4-5 हरी मिर्च भी डाल दी है, और नमक भी डाल दी है, हींग भी डाल दी है। तो मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। और मैंने इसका बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लिया है। और भल्ले जब भी आप बनाएं तो पेस्ट को स्मूथ ही रखें, और बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए, वरना भल्ले और ये जो वड़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा सख्त रहते हैं। कई लोग बोलते हैं हम बहुत घंटों घंटों तक बीट करते हैं, ये करते हैं, तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस बीच बीच में मिक्सी को ऑन ऑफ करते रहिए, और ढक्कन उठा के देखते ही तो हैं कि दाल पीसी है या पीसी, उसके अंदर हवा भर जाती है तो वैसे ही सॉफ्ट बन जाते हैं। बस बारीक पेस्ट होना चाहिए, और थोड़ा सा मतलब ऐसा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। तो अब मैं भल्ले तलती हूँ इसे। और मैंने इसमें 2 चम्मच बेसन भी मिला लिया है, तो बस अब मुझे इनको फ्राई करना है। वो आपके ऊपर है कि आप इसे वड़ा का शेप देना चाहते हैं या गुजिया का शेप, तो मैं गोल ही दे रही हूँ आज। तो पहले 2-4 मिनट सिम पे ही होगा, फिर फुल पे कर दूंगी मैं गैस को, ताकि अंदर से भी सिक जाए। और बहुत केयरफुल होके बनाएंगे, क्योंकि कभी कभी स्मूथ पेस्ट में भी ये फट जाता है। 1-2 बार ही मेरे साथ हुआ है ऐसा, तो मैं जल चुकी हूँ इसलिए बता रही हूँ, थोड़ा पीछे ही रह के करिए। वैसे भी फ्राई करना तो पीछे ही होके करना चाहिए। तो ये फ्राई हो रहे हैं, और कोई भी चीज़ जैसे पकौड़े हो गए, ये हो गए, हम फ्राई करते हैं तो डालते ही इस तरह से ऊपर तैरने लगते हैं, तो समझ जाइए कि आपका पेस्ट बिल्कुल ही ठीक है। या तो कई लोग ऐसे करते हैं, उसे बीट करके पानी में डाल के देख लेते हैं, जब पेस्ट पानी के ऊपर आ जाता है तो फ्राई करते हैं।
और ये कोफ्ते भी बनकर तैयार हैं। तो मेरे पास थोड़ा सा पनीर मैंने बचा लिया था, उसको मैंने कद्दूकस करके इसमें डाल दिया है, क्योंकि प्याज वगैरह डलने नहीं थे, लहसुन डलना नहीं था, तो थोड़ा सा यही डाल दिया था मैंने इसके अंदर। और बस सब्जी बनकर तैयार है, और भल्ले भी मैंने भिगो दिए हैं पानी के अंदर। बस यार क्योंकि मौसम ख़राब हो चुका है तो ये भी आने वाले होंगे। और यहाँ तल रही हूँ मैं केले के चिप्स, जिनको मैंने नमक और हल्दी वाले पानी में भिगो के रखा था और उनका पानी निकाल लिया था। अब ये चिप्स तैयार हो रहे हैं। सब्जी और कबाब तो कई बार ही बनाया है, लेकिन चिप्स मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो बताऊँगी आपको कैसे बने हैं, या फिर आप ही ट्राई कीजिएगा। वैसे फास्ट चल रहे हैं और हमारे घर फिलहाल किसी का नहीं है, क्योंकि बच्चों ने दो दो ही फास्ट रखे थे। और यहाँ बना रही हूँ मैं चपाती, सब्जियाँ बन चुकी हैं, तो बस अब मुझे खाना लगाना है और दही भल्ले तैयार करने हैं। तो पहले मैं चपाती बना लेती हूँ। और यहाँ मैंने दही बीट कर लिया है, तो इसमें मैंने भल्ले भी डाल दिया है। तो मैं मार रही हूँ यहाँ पर, इसको तड़का मार रही हूँ। मुझे तड़के वाली दही बहुत अच्छी लगती है, तो पहले मैं डालूँगी थोड़ी सी हींग। मैंने हल्का सा थोड़ा सा रिफाइंड लिया है, उस पर हींग डाली है। और अब मैं डालूँगी इसमें जीरा, मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी लाल मिर्च, और इस तड़के को मैं इस पर डाल के 2 मिनट ढक दूंगी, जिससे कि इसके अंदर हींग वगैरह की स्मेल चली जाए। और ट्राई कीजिए, इस तरह से बहुत ही यम्मी लगती है खाने में। तो ये तैयार हो चुकी है, और इसमें मैंने धनिया भी डाला है। और खाना बनकर तैयार है। ये है पालक की सब्जी और कोफ्ते, दही भल्ले और रोटी। आइए आप भी खा लीजिए। कह रही हो देखो आशी को स्टोरी सुना रही है, क्या बोल रही बेटा? बहुत दुखद स्टोरी है। आपको दीदी के लिए ये देखिए, इन मैडम जी का फोन है, टूट चुका है, और क्या कहते हैं पीछे कवर नहीं होता था, कहती आईफोन के पीछे कवर नहीं होता। तो आप देखिए इस फोन का क्या हाल हुआ था। कमेंट्स में लिखिए कि आईफोन में कवर होते हैं या नहीं होता। हां होता, आईफोन पे कवर सूट करता है, कौन कह रहा करता है। ये देखिए, आप देख के बताना ना, बोलो ये देखिए पता। यहाँ पे चल रही है फोन के मामले में चर्चा। एक कह रही है कि मैं भी कहती हूँ कवर होना चाहिए था, क्योंकि मेरा फोन भी स्लिप होता है। तो ये मैडम जी हैं जो बहुत होशियार बनती हैं, खाते पीते उठते बैठते इनके फोन हाथ में होता है, कान में तारे होती हैं। देखिए मुँह छुपाने से कुछ नहीं होता, आदमी कर्म नहीं छुपते। अरे दुख की बात है यार, फोन कैसे मिलेगा नया। अभी देखो तो मिल भी जाएगा, हमें नहीं मिलता। बल्कि ये देखिए आज ये अपना दर्द बयां कर रही है, जो कि सिर्फ 9th में है, और इन्हें 7th में फोन मिल गया था, वो टैप पड़ा है इनका सामने, उसके बाद भी ये कह रही है हमें नहीं मिलता। इतने से बच्चे को इतना इस टाइम मिल गया था, तो ये कोई कम नहीं है। बोला पता चले किसी ने कमेंट्स में लिख दिया, अंश मांगे लिख दे बच्चे को फोन नहीं देते, मम्मी के लिए फोन वापस। हां तो बच्चे को फोन नहीं देते वैसे भी, क्योंकि बच्चे बिगड़ जाते हैं। मैं तो नहीं बिगड़ती कुछ पता। तो ये देखिए टैब, मैंने अब मैं यहाँ से टैब उठाती हूँ और मैं इसे छिपा दूंगी, और फौरन देखिए आशी कैसे भाग के आएगी। 1 2 3 ये देखिए ना बेटा, फोन तो आज मैं छिपा दूंगी बस। अब आप क्यों पीछे पड़े हो? पीछे का पड़ी मैं तो आगे से बात कर रही हूँ। मैजिक का मेरा बड़ा दिन है।
क्यों होते हैं ना, क्यों दुख भरा दिन है, क्या करूं, तेरा रिजल्ट कल रिजल्ट है। ओहो हो, आपको पता चलेगा कल अच्छी बात है कि ज्यादा नहीं बोलो, मैंने कुछ नहीं बोला वीडियो में, तो मैंने ये नहीं बोला। अब तुम पढ़ी हो तो तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि तुम पास हो, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। आप भी बताइएगा, डर वहाँ लगता है ना जहाँ पढ़ाई ना की हो, जब करी है तो फिर क्यों डर रही हो। अब करी तो है ना। हाँ, अभी पेरेंट्स से क्या मांगती हो, इस बेचारे की जान क्यों निकाल रही हो, क्या मेंटल को तो दवा दवा के मार रहे हैं। मेंटल मेरा मेंटल, ये देखिए बेचारा जितना साइज का उतना साइज का ही है। मैंने क्लास में बच्चे को बोला मेंटल से मिलोगे, कहते नहीं के तो। चलिए अब हम अपनी वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अभी मैं जा रही हूँ आशी का फ़ोन उठाने, देखिएगा ये देखिए ये देखिए आ गई। अच्छा ठहर जाए एक मिनट, चलिए मैं आपको बाय करती हूँ, फिर इससे निपटती हूँ।